वेलकम। क्या हालचाल मेरे भाई, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारी भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ठीक हो सारे? तो भाई मामला चेकअप चेक होने वाला है। सिम्बा उधर हो जा बेटे, मम्मा के पास जा। सिम्बा इधर आ। सिम्बू सॉरी यार, ये बहुत बात खड़ी है। इधर आ इसको इसलिए मैं 4:15 4:20 तक आ गया था। उसके बाद चेंज किया तो भाई बैठ गया किसी अपने सिंहासन पे। भाई फर्श पे बैठा हुआ भाई, वो टेबल है, सिंपल सा सेटअप है भाई, लेकिन दिल के कनेक्शन तारे जुड़ी हुई है भाई, वही सबसे बड़ी बात है। तो भाई आज गर्मी, आज यार बारिश हुई थी हल्की फुली ना, इट वॉज रेनिंग राइट लिटिल बिट। तो भाई मैंने कहा उसके बाद भी गर्मी भाई, इसलिए मैंने कहा यार आज ठंडी शील्ड साथ में। भाई कल थोड़ा सा मामला पड़ा हुआ था तो भाई थोड़ा सा इसको जोड़ी बनाएंगे इन दोनों की। तो भाई जोक से पार्ट, आज यार भाई अंडे उबले, आज मैं अपने आपको अंडे दिखाता हूँ। भाई ये बॉयल आ गया भाई, सिंपल बॉयल आ गया। इसके ऊपर मैडम ने अनियन डाला हुआ, बोला ग्रीन वाला अनियन, हरी मिर्च डाली हुई है। सिम्बा बेटे क्या कर रहा है, सिम्बा इधर आ। क्या चाहिए इसको? इसको और भाई इसके ना कैमरा पे फोकस हो रहा है। तो भाई ऑल टाइम गोभी की सब्जी और चार पराठे भाई, ये फुल डिनर है। डिनर ही हो गया यार इतना से, सुबह 4:30 4:45 बजे डिनर। चलो मान लेते हैं, सिम्बा बेटे सिम्बा फिर आएगा। क्या चाहिए इसको? कुछ खाती खाती है ही नहीं है बस। जाओ उधर से, कुछ जाने दे यार, जा इसके बॉल खा ले, खेलने दे ना। तो जा सुबह, जा 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 कैच कर दे, जा जा अब बना जा यार, वो जा जा ना। यस मेरे भाइयों, अभी एक आपको बात बताता हूँ यार, ऑफिस की नहीं, ऑफिस की बात। भाई मजा आ गया, ठंडी बढ़िया, मजा भी आ रहा है। आज पता क्या बोल रहा है ना डरा, यहाँ पे एग कितने महंगे हैं, यहाँ पे अंडे कितने महंगे हैं। तो भाई आज ऑफिस के बाहर ना मैंने मांगे गई हैं 20 के 3। हाउ इट इज पॉसिबल, वो भी बॉयल है यार, 20 रुपए के 3 अंडे, इतने सस्ते कैसे हो गए? मैं सोचना पड़ेगा यार, वो भी एग फ्राई, वो बेसन लगा के डालने बनाते ना, वो एग के पकौड़े। अरे यार क्या हुआ तुझे, बताना क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बता दे, बताती नहीं है। अरे कुछ नहीं है यार, इधर बोल रही है ना, कुछ नहीं ऐसे ही यार, बताएगी नहीं। रोटी भी ट्राई करते हैं, आलू गोभी की सब्जी है, आलू गोभी मटर यार ऑल टाइम फेवरेट। और भाई इसमें गाजर मिल जाए ना, और वो देसी गाजर भी है वहाँ पे, इसमें डाली गाजर में। ओ हाँ यार गाजर भी है ना, देसी घी नहीं है भाई, देख ले भाई, ये बड़े घर की बेटी है, इन्हें क्या पता घी का क्या वैल्यू है। घी इज वेरी गुड यू नो, है कि नहीं? है ना घी जो है ना, इन अ लिमिट इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ यार। भाई घी के बारे में ऐसे बोल रही डायना, आई डोंट नो व्हाई, इसे पता नहीं है अभी घी के फायदे। ये ना तो भाई मक्खन खाती है, ना ये देसी घी खाती है। घी तो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर भी, आई थिंक थोड़ा बहुत, अगर मैं सही हूँ तो ये रेकमेंड है ना, देसी घी की बात कर रहा हूँ मैं। तो व्हाइट मक्खन खाती है तू? राइट मक्खन खाती है?
तो घी में भी इतना थोड़ा सा फैट होता है, मतलब होता है ऑब्वियसली है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। पहलवान वगैरह कितना कितना घी खा जाते हैं भाई, हम नहीं खा सकते, हमें पचेगा नहीं इतना, बट हाँ यार थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए तो खा ही सकते हैं। अब ये खाती नहीं तो मैं भी नहीं खाता फिर, क्योंकि फिर क्या हुआ, ये क्या करती है आपको इसकी आदत तो पता ही होगी, अब फोन करेगी मैडम क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया इसने, दया बहन ने, आज से इसका नाम दया बहन, ठीक है दया बहन, अच्छा गुस्सा हो जाएगी तो सब डिसाइड कर लिया कि आज काली वाली दाल बनेगी, रोटी बनेगी बस, फिर इंदर तेरे लिए क्या बनाऊं जल्दी बता जल्दी भाई, ऐसे जल्दी मचाएगी ना उधर भाई, कॉल मैं मीटिंग में, मेरी कॉल चल रही है, ये मैडम भाई मुझसे पूछ रही है क्या बनाऊं क्या बनाऊं, अब भाई मेरा भी मन ललचा गया, मैंने बोला आलू के पराठे बना ले, नहीं महंगा भी कुछ और बना ले, जैसे आलू की सब्जी बना ले, भरवा आलू बना ले, बैंगन बना ले, दो तीन ऑप्शन सुनने के बाद ना मैंने तो काली वाली दाल बना दी है, तुमने खानी है खा, नहीं खानी मत खा भाई जबरदस्ती खानी पड़ती है यार फिर, और उतनी और आके मैंने देखा यार तुम भाई मेहनत करके आओगे ना, भले ही मेंटली है फिजिकली आके तुम्हें कुछ भी बनाओगे ना अच्छा लगेगा। अभी यार तुम देखोगे ये रोटी सूखी है एकदम, मतलब गर्म नहीं है बिल्कुल भी, ठंडी है, ये भी ठंडा है, ये भी ठंडा, सब कुछ ठंडा है, लेकिन मुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन सिम्बा बेटे क्या कर रहे हैं बाबू, क्या चाहिए आपको, फन कर रहे हो बस और कुछ नहीं, जा बॉल से खेल ले जा, उसका वो खिलौना कहाँ है, वो कौन सा फ्रेंड इनसाइड दिस वन टेबल के नीचे चला गया, रुक जा मैं दूसरा देती हूं यार, वो भी उसके नीचे है ना, सो वी आर जस्ट प्लेइंग विद हिम, ये ले 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 सिम्बा ले 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 ये ले 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 ये गाना ये भी गाती रहती है, पदो पदी पदो बने वासो बनी, भाई बड़ा कॉमेडी है गाना, अच्छा है लेकिन यार गाया इस तरह से को हंसी आ जाती है, तो भाई आज वेंसडे था तो काम आज क्या हुआ शुरू में ही तेज हो गया था तो फिर थोड़ा हल्का हो गया था एंड में, एंड से पहले ओवरऑल आज का दिन अच्छा था, ठीक था, मेरी बात बोल के ना तो मेरा मुझे अच्छा ही ना पाया यार, उसको समझाना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी, ये सब तो ठीक है लेकिन टॉप अप देसी घी से हो जाएगा, और देसी घी का ये भी है जैसे खाना खा रहे हो तो गरम गरम खाने के साथ ही अच्छा लगता है, वो पराठे गरम हो गए या रोटी साथ ही रोटी गरम होगी उसके ऊपर डाल दिया बाजरे की रोटी होगी, भाई मैंने अपने जीवन में कभी बाजरे की रोटी नहीं खाई यार, कभी भी नहीं खाई मैंने, और जब मैं देखता हूँ ना जैसे मैं राजस्थानी ब्लॉग देखता हूँ या मैं राजस्थान का खाना देखता हूँ
हरियाणा का खाना देखता हूँ, पंजाब वगैरह में भी, पंजाब में भी होता है ये सब चीज़ें, तो मतलब मेरा बड़ा मन करता है यार। जैसे चूल्हे पे ना, जैसे मम्मी होती है, मदर होती है, सिस्टर होती है, वाइफ होती है, वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को खाना बना के देती है, बड़ा अच्छा लगता है यार। वही प्यार है, वही परिवार है प्यार। ए सिम्बा, सिम्बा कवर योर फीट ना बेबी, जाना इसी तेज कर दे यार, गर्मी लगी है। देख सुना, यू वांट टू प्ले यार, खेल ले तो थोड़ा सा। नहीं अब तो सकती हाँ? मम्मी से डरता है अपनी, बस मुझसे डरता ये कि नहीं सोएगी हाँ? बता सोएगी कि नहीं सोएगी, सोएगी कि नहीं सोएगी, लड़का है वो, लड़की नहीं है, सोएगी कि नहीं सोएगी। सिम्बा को मत तोड़ यार, कर दे। नहीं नहीं बोल रही हूँ, कर दे। नहीं नहीं भाई कर कर बुरा यार, कभी कभी यार, कभी कभी यार थके आ रहे हो, सिंपल चीजें मतलब खाना, सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है यार। अटरम शटरम मंगवा लो ना, उसमें क्या होता है तुम्हारा पेट भर जाता है, जल्दी भर जाता है। लेकिन ये देखो यार मैं खा ही रहा हूँ तुम्हारे सामने, अच्छा लगता है यार, उधर मतलब फुल कर देता है पेट यार। हरी मिर्च तो यार मुझे शुरू से अच्छी लगती है। लौंका बोलते इसको, लौंका, लौंका ही बोलते इसको, कलकत्ता में लौंका बोलते इसको। ठीक है यार, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेना चाहिए भाई ऑफिस के बाद। अगर मैं चाहता तो मल्टा में अपने दोस्त के साथ घूमता फिरता, दारू शारू पीता गाड़ी वाड़ी में, उसके बाद घर आता सो जाता। मुझे टोटल 10 बज जाते घर आने में। क्या था, अगर मैं नोएडा से, मेरा दोस्त है वो गाड़ी में ही आता, वो नोएडा में आसपास ही रहता है ऑफिस के, क्या था चलने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, तू मेरा दोस्त है ही हो, मेरा ऑफिस का कलीग भी है, लेकिन मेरे भाई बंधु, मेरे भाई, मेरे मेरे प्यारी प्यारी बहने, एक मेरी फैमिली यहाँ भी कनेक्टेड है, तो मेरे भाइयों ने भी मेरे लिए मेरे साथ के बोतल वोतल खोली होगी यार, पैक शेक लगाए होंगे, खाना खाना खाया होगा साथ में भाई, ये मज़ा है। तो मैंने ऐसे मना कर दिया, मैंने कहा भाई कोई नहीं पी लेंगे उसके साथ कभी, और यार डेली मिलता हूँ उससे मैं ऑफिस में, लेकिन आप जरूर लिए जो मुझे सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मेरे भाइयों, मुझे समझते हो और क्या चाहिए यार, कुछ नहीं, चलो नहीं अच्छा है। तो भाई बहुत दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, कमेंट रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ ना मैं, मुझे पता है कि भाई सच बोल रहा हूँ, कदम खा रही हूँ, टाइम नहीं मिलता यार। मैं देखता हूँ कमेंट, लेकिन अगर मैं कमेंट करने लगूँगा ना, फिर कमेंट के रिप्लाई करने लगूँगा, मेरा मैनेजर ना मेरे यहाँ वहाँ मंडराता रहता है, इसलिए यार मैं काम जरूरी होता ऑफिस में, मेरी टाइमिंग भी ऐसी है तुम्हें पता ही है। मैं दोपहर को वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो अपलोड करके ना मैं ऑफिस चला जाता हूँ, कैब में बैठ जाता हूँ ऑफिस में, जहाँ मेरा वर्क स्टेशन है। I cannot reply you guys. I'm really sorry. वहाँ पे आपको reply नहीं देता।
मैं फिर वॉशरूम जाता हूँ, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, तो मैं उनको फटाफट रिप्लाई देता हूँ। इसलिए भाइयों प्लीज बुरा मत मानना यार। लेकिन और पता क्या है, एक बात बताऊँ आपको, मेरी वाइफ ना आपके हर कमेंट पढ़ती है, शमी मैम, हरदान मेरे भाई, शिव भाई, सभी मेरे भाई, विक्रम भाई, सभी मेरे भाई हैं। मेरी वाइफ हर आपका हर एक एक कमेंट पढ़ती है और रिएक्ट करती है, ऑब्वियसली आप उस पर दोबारा से मतलब बोल नहीं सकती, लेकिन भाई बहुत अच्छा लगता है यार आप जो हमारे साथ हो, यार हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ, वहीं पे बैठ जा, वहीं पे सब साथ साथ हैं यार। थैंक यू सो मच यार, मतलब थैंक यू भी यार बहुत छोटा है यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए। सही है यार, दिल से शुक्रिया। If I walk as well, I feel pain here. Don't show him tomorrow, na? Sunday को दिखाइए उसको। अरे कितनी बार दिखाओगी यार? दिखा भी उस पे हो रहा तो दिखा उसको और क्या? सिंपा ने यार थोड़ा सा इसको नाखून मार दिया ना, तो इस वजह से वो थोड़ा टांग पे इसको इंजेक्शन लगवा दिया मैंने, जस्ट से सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पर्पस। इट लुक्स बेटर देन बिफोर। व्हाट हैपन, व्हाट हैपन क्या? ऊपर एक बिल्ला आ रहा, एक्साइटमेंट में यहाँ एक्साइटेड हो गया होगा, उसने इसी टांग पे ना नाखून मार दिए थोड़े देर। मैंने भी यार बेबीज के इंजेक्शन लगवा दिए इसको, चार लगे हैं, दो और लगने हैं, दो और लग रहे हैं ना, पूरा भाई प्रिकॉशन लेके चलता हूँ। मेरे मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे भी कुछ ना हो, मेरी वाइफ को भाई कुछ ना हो, जितने भी मेरे भाई हार्ड वर्किंग है, हाथ का काम करते हैं, दिल से सैल्यूट है यार। लेकिन यार मेंटली भी काम होते हैं, स्ट्रेस होता है यार, थक जाता है यार दिमाग, थक जाता है बॉडी, थक जाती है जब बैठे बैठे, आपको अलर्ट रहना पड़ता है यार 2:30 घंटे, इस वजह से तो भाई थक जाता हूँ, मैं भी थक जाता हूँ यार। तो यार थोड़े बहुत ही पैक लगा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ आपके सामने, आपको आपको अपनी आप इतनी शेयर कर देता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हंस खेल लेता हूँ, अच्छा लगता है यार। मुझे पता लगता है यार आप मुझसे मेरी वाइफ से कितना कनेक्टेड हो, मैं मेरी वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ यार। आपके कमेंट ना ऐसे नहीं होते कि सिर्फ रिप्लाई दे दिया भाई, यहाँ लगते हैं, यहाँ लगते हैं, यहाँ लगते हैं, याद रहते हैं, सच बोल रहा हूँ भाई। मेरी वाइफ पढ़ती है वो कमेंट, शनिवार सैटरडे संडे मैं जैसे बाहर जा रहा हूँ राशन वाशन लेकर, शनिवार सैटरडे भाई राशन चलता है या फिर कपड़े वपड़े ले लिए, या फिर ऐसा नहीं भाई ब्रांडेड वगैरह जो भी नॉर्मल शूज़ ले लिए, टी शर्ट ले ली, जीन्स ले ली, डैमेज कुछ सामान लेना वो ले लिया, वो अपने टाइम पे ना आपके सारे कमेंट पूरे 0 से लेके पूरे पढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है यार, दिल करता है यार हाँ यार पुश करो अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाओ, पुश करते रहो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी यार। लेकिन
लाइफ को कुछ कर सकता है यार। मिस कर गया, इसकी मिस कर दिया यार, वरना अभी तक ठंडी है। मजा आ गया यार, मेरी में बियर का स्वाद तो है यार, ये तो बात तो सच है। लेकिन भाई मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हूँ, जितना मर्जी पी लूँ, सुबह उठूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, वेट लिफ्टिंग करूँगा थोड़ी बहुत, जो भी है, ऑफिस जाऊँगा, काम पूरा 100% दूंगा, फिर आऊँगा घर पे हूँ मैं, ऑफिस हूँ। अभी मैं मतलब अभी मैं जैसे खा पी लिया, मैं चुपचाप सोऊंगा, मैं अपनी वाइफ से कुछ फालतू नहीं बोलूँगा, ना उससे आर्गूमेंट करूँगा, चुपचाप सोऊंगा मैं यार, कुछ नहीं ऐसा। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो बस कुछ नहीं है, बस यार माइंड रिलैक्स हो जाता है यार। नेक्स्ट डे शक्ति मिल जाती है, मतलब जी अजूरी करो कोई ना यार, अगर जी अजूरी करने से मेरे घर पे खाना आ रहा है, मेरी वाइफ खुश है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं करूँगा, आ जाऊँ क्या, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ना मेरी वाइफ ने एक फ्रिज में मैंगो शेक रखा हुआ, एक घुट मैंने पहले ही मार लिया था, उसको पता भी नहीं है, वो पीऊंगा। बाकी यार दिल से धन्यवाद है यार, और दिल से अपोलोजाइज यार, अगर आपको मैसेज लेट करता हूँ मैं, प्लीज यार बुरा मत मानना, साथ रहो यार, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से, सोच मेरे भाइयों। भाई वीकेंड आ रहा है, नॉन वेज लेके आऊँगा मटन, शमी मैम नॉन वेज ही लेके आऊँगा, मटन ही लेके आऊँगा आपने जैसे बोला था। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, साथ रहो, चेक एम आप लगा।